सर, ओमिक्रॉन के केस इंडिया में 100 से ज्यादा आया है, ये खतरे वाली बात है क्या? 100 से ज्यादा, और इंडिया में जितना सारे इन्फेक्शन का रिपोर्ट हो रहा है ना, उसी का हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर आंकड़ा जो है ये इतना खास ज्यादा नहीं है। लेकिन ओमिक्रॉन का खासियत यही है, ये जल्द से जल्द फैल जाता है। लेकिन जल्द से जल्द फैलता जरूर है, लेकिन ये घातक साबित अभी तक नहीं हुआ। इससे जो क्लिनिकल डिजीज जो हम कहते हैं, बीमारी का जो स्थिति पैदा होते हैं, वो इतना गंभीर रूप नहीं लेते हैं। तो ये हो गया, अच्छा बात, ये एक बिंदु रहा। लेकिन दूसरा जो बिंदु हमें सोचना चाहिए कि इसी का मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम ठीक है उसको फैलने दें, क्योंकि जो लोग बुजुर्गों होते हैं, ज्यादा उम्र के होते हैं या इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशंस में रहते हैं, उन लोगों का संक्रमण हो जाता है ओमिक्रॉन से, तो किस तरीका से वो बिहेव करेगा ह्यूमन बॉडी में, ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आतंकित होने का कोई जरूरत नहीं है, हमें वैक्सीन लगाना चाहिए। लेकिन अभी जो फेस्टिविटी टाइम है, इसमें भीड़ भाड़ में नहीं जाने का, मास्क को इस्तेमाल करना चाहिए। और ओमिक्रॉन अभी प्रीडोमिनेंटली सर्कुलेटिंग स्ट्रेन नहीं है इंडिया में। इंडिया में देखा जाए सारे जो स्ट्रेन सर्कुलेटेड इन्फेक्शन, मैं बोलना चाहता हूँ संक्रमण का जो ज्यादातर स्ट्रेन है वो डेल्टा है। तो डेल्टा ही इज द प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन, एंड ओमिक्रॉन हैज नॉट रिप्लेस डेल्टा एज येट इन इंडिया। तो हमें जो तरीका पता है किस तरीका से हम उसको रोक सकते हैं, वैक्सीन लगानी चाहिए, ये सब लागू रहना चाहिए। और जो सावधानी हमें बरतना चाहिए, क्योंकि दिस इज फेस्टिव सीजन राइट इन दिसंबर, तो वो भी हमें एकदम ढिलाई नहीं देने देने चाहिए, और सावधानी बरतना चाहिए। भीड़ भाड़, वो पॉलिटिकल रीजन हो, सोशल रीजन हो, रिलीजियस रीजन हो, इसमें हम इकट्ठा हो जाए या मास गैदरिंग कर ले, वो तो सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है, इसी से बच के रहना। जी, आईसीएमआर के रिसर्च में कुछ पता चला है कि ओमिक्रॉन के सिम्टम्स में वही पुराने वेरिएंट जैसे ही या फिर कुछ चेंजेस आए हैं? ओमिक्रॉन का नंबर जो है संक्रमण का बहुत ही कम है, और सारे दुनिया से जो इंफॉर्मेशन हमें मिला है, साउथ अफ्रीका हो या बाकी सारे कंट्रीज, इसमें क्लिनिकल सीवियरिटी बहुत कम है। ये पुराना जो डेल्टा वेरिएंट का जो सिम्टम्स है उससे भी कम है, क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में सोचा जाए तो। जी, आप पब्लिक को क्या अपील करना चाहते हैं जो ओमिक्रॉन को लेकर अभी थोड़े शंका पर है? मैं यही कहना चाहूंगा, ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है सार्स-कोव-2 वायरस, वायरस एक ही है लेकिन उसका एक वेरिएंट या बदलता हुआ रूप को हम ओमिक्रॉन कहते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम उसको एक मौका ना दे दें कि वो जल्द से जल्द फैल जाए, क्योंकि अभी तक जो संक्रमण का आंकड़ा हमें मिला वो बहुत ही कम है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो कम ही रहे।